चलो जी, गुड इवनिंग। आज हम कर रहे हैं जी रेशियो के फॉर्मूले, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक बार के लिए हम चार्ट याद कर ले, एक बार के लिए हम चार्ट याद कर ले। चार्ट क्या था? सबसे पहले चार तरह की रेशियोज होती हैं। पहली फाइव पॉइंट सेवन एट होगा या 7.9 जो भी। अब एक बार के लिए हम रेशियोज की वो कर रहे हैं। चार्ट क्या क्या होता है रेशियोज में याद है? सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज, सेकेंड सोलवेंसी, थर्ड एक क्या पार्टी तो नहीं गई क्या? क्यों या हो गए? नहीं नहीं हो के आए हो, गए नहीं यार, जाना तो चाहिए था मेरे हिसाब से। थोड़ा जो ना बंदा फ्रेश हो जाता है, लेकिन ये है कि हाँ एक दो घंटे लगा के आ भी जाऊं। मैं हमेशा दोनों चीजों के बैलेंस पे विश्वास करता हूँ। राहुल भी आया है, चलो बुलावा आया है, ट्यूशन ने बुलाया है। देख यार नहीं नहीं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होती बिल्डिंग। चलो भी चलो। अच्छा, पहली रेशियो कौन सी थी? लिक्विडिटी। दूसरी रेशियो कौन सी होती है? सोलवेंसी। तीसरी एक्टिविटी और चौथी प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो की पहली, चलो चलो चलो, लिक्विडिटी रेशियो में पहली, करंट रेशियो का दूसरा नेम वर्किंग कैपिटल रेशियो। अच्छा, सेकंड रेशियो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट। अच्छा, सोलवेंसी में पहली डेट इक्विटी, सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मुश्किल वाली है ना। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद है? पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। वाह, महक के जवाब दूसरे क्लास में लगातार, आज सुबह भी अब भी। अच्छा, तीसरी रेशियो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। उसमें पहली इन्वेंट्री, दूसरी डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, तीसरी क्रेडिटर्स या पेबल, चौथी। अब ध्यान से जो जो सुनूंगा वो बोलना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नहीं, ऊपर क्या लेते हैं कशिश? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला किसी को भी नहीं याद? गलत। कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। सेकंड ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल गलत, क्रेडिट आरएफओ। आप लोगों ने ये देखना है ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स को आप क्या करते हो यार? पैसे पैसे। डेटर को आप उधार पे सामान बेचते हो यार, हद होगी आप लोगों की ना। एक तारीफ कर दी पहले ही नजर लगवा लो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर, डेटर को आप सामान बेचते नहीं हो, तो डेटर को सामान बेचते हैं तो उससे पैसा लेना है ना, तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही ट्रेड पेबल रेशियो का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का, नीचे सिर्फ वर्किंग कैपिटल लेते हैं और ऊपर क्या लेते हैं? देखो कोरफो है कि आरएफओ है, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में देखो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब आगे आ जाओ जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। कल सुबह हम क्या करेंगे जी? कल सुबह हम रेशियोज का ओरल टेस्ट होगा कल, रेशियो का ओरल टेस्ट। अब मान के चलो रिटन से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, कम से कम आधे पौने घंटे का होगा, प्लस एडमिशन करेंगे कल सुबह, ठीक है? क्योंकि एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुआ, बस एक वही चैप्टर है, बाकी बीच बीच में से हो गए हैं। चलो जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पांच रेशियोज होती हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है? बुक में आ जाओ, सिर्फ बुक में लिखवा रहा हूँ, सिर्फ बुक में मार्क करवा रहा हूँ। घर से फॉर्मूले अपने आप लिख के आने हैं, सीधा ट्यूशन वाली कॉपी की जगह सीधा नोट्स वाली कॉपी पे ही लिख लेना। पहली होगी ग्रॉस प्रॉफिट, इसका शॉर्ट फॉर्म जीपी रेशियो। सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो,
तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम यही करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला देखो जी नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बॉक्स में डाल देना, हमें हमारी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है डिब्बे में। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, क्या फॉर्मूला होता है इसका? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कभी भी कोई दुकानदार ये कहता है ना कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इतने परसेंट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा सेल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए डिवाइड किसको किया हमने? सेल को। सेल यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें कौन सी सेल आएगी? नेट सेल। कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न, मतलब इसमें दोनों सेल ले लेनी है। यहाँ पे क्रेडिट आरएफओ नहीं है, कौन सी है? आरएफओ। कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, दोनों को ऐड कर दो, रिटर्न हो तो माइनस कर देना। एक बार फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा जीपी रेशियो का? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल का फॉर्मूला कैश प्लस क्रेडिट माइनस, ठीक है। अब जीपी को निकालने की अलग अलग चीजें होती हैं, जीपी को हम कैसे निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में ना दिया हो? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आरएफओ यानी कि सेल्स में से माइनस कोरफो। समझ लो, मैंने सामान बेचा 130 रुपये का और मेरी कॉस्ट पड़ रही थी 115 रुपये, 115 नहीं 105 रुपये, तो बताओ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 25 रुपये, ठीक है। अब इसमें रेशियो कैसे निकलेगी? 25 डिवाइडेड बाय, देखना क्या लेना है डिवाइड में। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल, सेल कितनी है? 130 इंटू 100। ये पहली रेशियो है जो परसेंटेज में निकलवा रहा हूं मैं, बाकी कोई भी रेशियो परसेंटेज में अभी तक मैंने नहीं निकलवाई थी, टाइम्स में निकलवाई थी। अगर एमसीक्यू में ऑप्शन परसेंटेज में हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे समझ लो करंट रेशियो परसेंटेज में दी हुई है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट अपना मार्जिन जो कैलकुलेट करते हैं ना, हम हमेशा यही सुनते हैं 6% कमाया, 10% कमाया, इसलिए रेशियो में आता है इसका, परसेंटेज में। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो? आरएफओ माइनस कोरफो। कोरफो का फॉर्मूला बहुत बार लिखवाया हुआ है, दो फॉर्मूले होते हैं कोरफो के, एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है कोरफो का? कॉस्ट निकालनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी माइनस कर दो, इसी इसी टर्म्स को यूज करना होता है आपने, बस इसी से जीपी निकलेगा, इसी से आरएफओ निकलेगा, इसी से कोरफो निकलेगा। और ये देखा जाए ना, मैं किसी कुलचे वाले को भी बुला के आऊं ना आज अपने कैमरे के सामने, कुलचे वाले को भी, वो भी बता देगा कि मैंने अगर 80 रुपये, ट्रक वाले को भी बुलाऊं ना ये जो जा रहा है, वो भी बता देगा भाई मैंने 80 रुपये का सामान खरीदा लेकिन मैंने 20 रुपये महंगा बेचा, तो 80 रुपये क्या है जो मेरे को खुद को पड़ रहा है ना कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं कोरफो। 20 रुपये मैंने मार्जिन लगाया तभी तो बेचूंगा, मेरी दुकानदारी है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों को ऐड कर दो तो बन गया मेरा सेल प्राइस आरएफओ। अब इसी तीन टर्म्स को मिला के किसी चीज का भी फॉर्मूला बना लो, बस एक चीज याद रख लो, कोई भी फॉर्मूला याद रख लो, जीपी का फॉर्मूला प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मैं हमेशा ऐसे याद करवाता होता हूँ, कोरफो कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स यानी कि आरएफओ, है ना। कोरफो कॉस्ट मेरी कितनी थी? 80 रुपये, जीपी मेरा कितना था? 20 रुपये, सेल मेरी होगी 100 रुपये। बस ये वाली टर्म याद रख लो यार, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस यानी कि आरएफओ, यानी कि जो कस्टमर को बेच रहे हो। अगले पेज पे आओ, इसमें और क्या लिखा हुआ है ये देखना, ये डिब्बा सा बना हुआ, इट इज टू बी नोटेड दैट स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंटरी। हमने पहले भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस, दिस रेशियो मेजर द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहे हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का मतलब लिखो पहले तो, जीपी कह रहे हैं ये रेशियो निकालती है जीपी किसके ऊपर? सेल के ऊपर। हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटर, इट इज इंपॉर्टेंट। सर हायर बेटर क्यों होगी वैसे? यार मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, प्रॉफिट मेरा हायर बेटर नहीं होगा, ये तो सोचने की भी बात नहीं है, ठीक है। जहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ था पिछले पेज पे या कहीं पे भी, वहां पे लिखो, जहां पे फॉर्मूले को डिब्बे में डाल दिया था वहां पे लिखो हायर द बेटर। मेरे हिसाब से पहली ऐसी चीज है जिसको मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जितना हायर उतना बढ़िया, हायर द बेटर। नो आइडियल स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड, इसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, कहते जितना प्रॉफिट कमाओ उतना बढ़िया है, ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकते ना यार 25% बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड पता है कैसे डिसाइड होते हैं? हमेशा आप मैक्सिमम देखते थे ना यहाँ पे, मिनिमम कि मिनिमम 8%, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मिनिमम 8% प्रॉफिट तो जरूर कमाओ अपने धंधे में, बिजनेस में। चलो जी आगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो खत्म, इलुस्ट्रेशन देख रहे हैं पहली।
कैलकुलेट द जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग 2019-2020। ये क्या ही है, देखना इसको करवाने की जरूरत है क्या। जीपी अपॉन सेल 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 गुना 100, बेचती है ये तो। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ जाए ना, अगली बार मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाना फिर। लेकिन इसका हम वो पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ के देखो इसके। पहले 25 था, फिर 20 था। हाँ, पहले 25 सौ ने कमाया, पिछले साल इस साल 20% कमाई। हो सकता है कोविड हो गया हो। बात तो सही है वैसे, 2020 से कोविड ही होगा। लेकिन इसके रीजन देखो हैं, नहीं दुकानें तो खुली थी ना, दुकानें तो खुली थी ना। अब जैसे मैंने ट्यूशन, यार मैंने भी तो ट्यूशन की फीस ली थी आप लोगों से, लेकिन मैंने पीछे 1-1.5 महीने की। आपने स्टार्ट भी 2 दिन कब करी थी? शायद तो सितंबर के नेडी आए कर नहीं, दिया प्लस वन में। हाँ नहीं, +1 में जुलाई में। चलो लेकिन इसके रीजन क्या है, प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज में भी गोन अप, जो भी है ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपने आप ही देखो, अगली इलुस्ट्रेशन सिर्फ अपने आप देखो। जीपी रेशियो नहीं, कुछ भी नहीं है। जल्दी अपने आप देखो अगली इलुस्ट्रेशन। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है ना, 2.5 लाख। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, दिया नहीं हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, RFO माइनस कोरफो। तो आरफो दिया हुआ है, कोरफो निकाल लो बड़े वाले फॉर्मूले से, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस वेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कोरफो वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। आपको याद है FS वाला चैप्टर जो मैंने अभी आपका टेस्ट चेक किया है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वो वही तो है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस यहाँ पे ऐड क्या हो जाता है, डायरेक्ट वेजेस। तो मेरे पास कोरफो निकला या 1.5 लाख, RFO था 2.5 लाख, तो कॉस्ट नहीं। तो GP क्या निकलेगा, 1 लाख। 1.5 लाख रुपए में मेरे को सामान पड़ रहा है, 2.5 लाख में मैंने बेचा, तो मार्जिन कितना कमाया जी। 1.5 लाख में मैंने खरीदा, मतलब मेरे को पड़ रहा है, 2.5 लाख में बेचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 लाख गुना 100। चलें जी आगे, सेकंड रेशियो पे आ जाओ, लेकिन नंबर 4 वाली, नेट प्रॉफिट रेशियो पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद नेट प्रॉफिट रेशियो पे आ जाओ आप, 6-7 पेजेस आगे टर्न करके ढूंढ लो, मुझे भी ढूंढवा दो। नेट प्रॉफिट रेशियो बेटा करेंगे करेंगे सब करेंगे, 5-6 करेंगे। जीपी के साथ लिंक कमीशन नेट प्रॉफिट रेशियो होती है, ये बुक वालों ने पहले वो डाल दी। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके ऊपर लिखो पैट। ये पैट पता है कौन सा है, जो लास्ट में आप P&L अकाउंट नहीं बनाते, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये वो है। शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूँ, हाँ जी, पैट अपॉन RFO। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, GP अपॉन RFO। इसके साइड पे अब बनाओ, थोड़ा सा जगह आपके पास होगी, लिखो GP रेशियो इज इक्वल टू, ऐसे कंपेरिजन लिखते चले जाओ कहीं पे भी। इसके साइड पे देखो जगह होगी आपके पास, मेरे पास बुक में है नहीं प्रिंट, इसलिए सिर्फ बुक में से करवा रहा हूँ मैं, लैपटॉप में नहीं है मेरे पास। GP रेशियो इज इक्वल टू GP अपॉन RFO इंटू 100।
मतलब एक ही जगह आपको दोनों रेशियो के फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब नीचे देखो जी, नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट होता है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता था, आर एफ ओ माइनस कोर फो। नेट प्रॉफिट देखो क्या है, हाँ ये इनके लिखने का स्टाइल है, मेरे लिखने का स्टाइल ऐसे होता है। मतलब मैं थोड़ा सा ना चीजों को सिंपल रखने में विश्वास करता हूँ। जितना भी आपका जीपी आया है ना, ये प्लस वन का कॉन्सेप्ट है वैसे, प्लस टू का नहीं है। जीपी में आप ऐड कर दो क्या लिखा हुआ है। हाँ पहले प्रॉफिट है ना, इसलिए पहले ऐड वाले आइटम्स इकट्ठे कर लो, प्लस अदर इनकम्स नहीं एक्सपेंसेस। लेकिन ये वर्ड लिखना जरूरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो सेल्स या ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक हो, जो दिहाड़ीदार मजदूरों यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड ना हो। जो फैक्ट्री और परचेजेस से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट। जो फैक्ट्री और परचेजेस से रिलेटेड नहीं होंगे यानी कि ऑफिस से रिलेटेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिस भी बोलते हैं, या सेल से रिलेटेड होंगे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। लिख लो कौन से, ऑफिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले या फिर सेल्स वाले से, सेलिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि कौन से हो गए, सैलरी, रेंट, ये सब चीजें, और माइनस कर दो टैक्स। तो ये जो निकल के आपके पास आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट। एक बार नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट जो आपने निकाला था ना, ग्रोस प्रॉफिट पिछली रेशियो में निकाला था ना, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोल दो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछा, ग्रोस प्रॉफिट पूछे, आर एफ ओ माइनस कोर फो, वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से अदर इनकम ऐड कर देना। अदर इनकम जैसे कौन कौन सी होती हैं, कोई रेंट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई कमीशन, अदर इनकम मतलब जो भी मिल रही है ऐड कर दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। देखते हैं इसकी एक इलुस्ट्रेशन अगले देखना। उसके नीचे ये वाली है आर एफ ओ 2 लाख, आर एफ ओ आ रही है 2 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 75,000, ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा एक्सपेंस है या इनकम है, सोच के बोल लेना, चाहे 15 मिनट बाद। डिबेंचर्स एक्सपेंस है, तो पहले लिखो इसको साइड पे एक्सपेंस। आधी चीजें तो ये भी नहीं याद रहती। उसके बाद एक्सीडेंटल लॉस, अच्छा जी। उसके बाद इनकम फ्रॉम रेंट, फिर कमीशन रिसीव्ड। मेरे को रेशियो कौन सी निकालनी है ऊपर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, लेकिन जीपी दिया हुआ है, और अभी अभी जीपी का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ऐड अदर इनकम। अब जीपी ढूंढो कितनी है, 75,000। अब ऐड अदर इनकम ढूंढो पहले, इनकम ये लो जी 75,000। कौन कौन सी है, कमीशन रिसीव्ड और रेंट 2,000 और 2,500। तो ये मेरा नेट, ओ नहीं ये नेट प्रॉफिट नहीं, इनकम्स आ गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस करवाओ, 15,000 हो गया, 26,000 हो गया, 5,000 क्या है, ठीक है, और 12,000, ये भी तो मेरा खर्चा है ना बिजनेस का। बस क्यों, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, आग लग गई, पंखा गिर गया। सर पंखे के बारे ना बोला करो, नहीं वैसे जिंदगी का एक वहम रहता है ना पंखे के ऊपर हमेशा। चलो इधर इधर इधर, बस बस बस, मैंने ये थोड़ी कहा था घर पे पहुंच जाओ, आप इधर ही पहुंचो अभी। तो ये मेरे पास निकल आएगा नेट प्रॉफिट, डिवाइडेड किससे करते हैं, पीछे फॉर्मूला याद करो, आर एफ ओ से। आर एफ ओ देखना क्वेश्चन में गिवन है, बस इंटू 100 हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम। 10 रेशियो देखना उसके नीचे दिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस। दिस रेशियो दिव्या पढ़ना एक बार जल्दी से, दिस रेशियो। करो अंडरलाइन करो,
डिटरमाइनिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, ये आ सकता है जी आपको assertions और रीजनिंग में कि नेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का वो फॉर्मूला लिख देंगे और लिखेंगे क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी बताते हैं, तो आप कहोगे फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन उसका रीजन गलत है क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी कौन बताएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हो गए 4 दिन हो गए दे आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलो जी, कह रहे हैं जो रेशो बढ़ेगी तो वो शो करेगा इंप्रूवमेंट, ऑब्वियस है पिछले साल में नेट प्रॉफिट कमाता था 8%, अब कमाता हूँ 12%, तो इंप्रूवमेंट ही है ना। एक बार फिर से फॉर्मूले हो जाए याद, पहला था जीपी रेशियो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल इंटू 100, सेल का आरएफओ बोलते हैं, एनपी का फॉर्मूला एनपी अपॉन आरएफओ इंटू 100, जीपी कैसे निकालते हैं आरएफओ माइनस कोरफो, कोरफो कैसे निकालते हैं, दो फॉर्मूले, एक तो वही कोरफो का फॉर्मूला आरएफओ माइनस जीपी, एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला आर एफ ओ माइनस जीपी, दूसरा ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज माइनस, ठीक है एनपी का फॉर्मूला एनपी अपॉन सेल्स इनटू 100, और एनपी कैसे निकालते हैं जीपी प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस परचेज वाले होते हैं कि सेल वाले, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेल है ऑफिस ऑफिस वाले सैलरी रेंट ये वो, और माइनस कर देना टैक्स, क्वेश्चन में टैक्स गिवन था। अच्छा जी, दो रेशो होगी, बेसिक डिफरेंस पूछने वाला हूँ, जीपी और एनपी का डिफरेंस क्या है, नहीं नहीं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मेरे भाई, अच्छा कुछ और, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप कंपैरिजन मत करो। देखो मैं अब आपको बताता हूँ, इसको आपने सोल्व किया था बुक में, देखना नेट प्रॉफिट कितना बच रहा था इसी इलुस्ट्रेशन में, 21,000, 21,500, देखो जी एग्री करते हो आप लोग, नेट प्रॉफिट यही था बुक में से देख के ही बोलना था और कुछ नहीं। अब स्क्रीन पे ध्यान दो, अब ध्यान देने की बात है, जीपी और एनपी का डिफरेंस क्या होता है, देखो मेरे क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट कितना था 75,000, नेट प्रॉफिट कितना आया 21,500। अगर मेरे को कोई सयाना बंदा पूछ ले, गवर्नमेंट पूछ ले, इनकम टैक्स वाले पूछ ले कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, अब मैं क्या आंसर दूं, वो सिर्फ ये पूछे, अब आपके पापा पूछे, आप अपने पापा को बोलो पापा ग्रोस प्रॉफिट कितना है आपकी दुकान का, नेट प्रॉफिट कितना है, और यार एक ही बात बता, ए पापा अपने ये नहीं पूछेंगे जीपी क्या है एनपी क्या है कोरफो क्या है ये वो कहेंगे यार देख हमें इतने की पड़ रही है हम इतना मार्जिन कमाते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। तो अगर आपको किसी सियाने बंदे को बोलना हो हमारा बिजनेस कितने पैसे कमा रहा है, स्क्रीन के ऊपर ही मैंने दो गोले कर दिए, हमारा जो बिजनेस पैसे कमा रहा है 21,500 कमा रहा है सर, फिर 75,000 क्या है, 75,000 को बोलते हैं ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है मोटा मोटा टोटल, मतलब अभी आपने ऑफिस वाले खर्चे या ऑफिस वाले इनकम तो माइनस ही नहीं किए ना ऐड किए, मतलब ये सर फिर ये हुआ क्या, ये वो हुआ कि जो अभी आपने प्रोडक्ट 80 रुपए में खरीदा था 100 रुपए में बेच दिया, और उसके बाद 2 रुपए 3 रुपए कोई और खर्चे भी लगे ऑफिस के बिजली के, वो भी आपने कंसीडर नहीं किए थे, बाकी और खर्चे खुर्चे माइनस करके 21,500, लेकिन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो 21,500 ही हुआ ना, मेरे को तो सारे खर्चे बताने हैं, फिर सर 75,000 हम निकालते क्यों हैं, गवर्नमेंट कहती है ग्रोस प्रॉफिट भी निकाला करो कि सामान बेच बूच के कितना पैसा आया, तो मैंने 75,000 कमा लिया, मैं बड़ा खुश था, मैं क्या आज तो बच्चों को पार्टी दूंगा, 75,000 कमाया, लेकिन जाते जाते मेरे बच्चे ही मेरे अकाउंटेंट थे मुझसे ही पढ़ के गए थे, कहते सर रुको 75,000 अभी आपने कमाया लेकिन अभी आपने ऑफिस के खर्चे तो माइनस ही नहीं किए, अब मैं आपको कह दूं कि मेरी दिवाली पार्टी का खर्चा कितना आया, मैंने इतने की पैटिस मंगवाई, इतने की चौमिन मंगवाई, इतने की कोल्ड ड्रिंक, हाँ जी खर्चा ठीक है, फिर लुक राहुल रुक गया सर रुको, गिफ्ट भी तो दी थी वो खर्चा भी तो जोड़ो ना, कुछ आपको डोनेशन दे गए थे बच्चे गिफ्ट भी दे गए थे फिर उसको ऐड कर दो, मतलब बच गया ना, तो मतलब नेट खर्चा कितना आया उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसलिए इसका क्या मतलब था ओवरऑल एफिशिएंसी को बताता है। दो रेशो हमारी खत्म हो गई, तीसरी पे आ जाओ, और बस करें अभी हवन होएगा तब भी नहीं बुलाऊंगा।
हाँ लड्डू खिला दूंगा, नहीं, हमें लड्डू नहीं नुक्ती गज्जक खिला दूंगा और बूंदी बूंदी और नमकीन। तीसरी रेशो पे आ जाओ। अब हम आएंगे, पहली रेशो थी जीपी रेशो, सेकंड रेशो का नेम क्या था वैसे? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो पे आ जाओ जी बुक में। बेटा ये चौथी रेशो थी, मैंने दूसरे नंबर पे करा दी, ठीक है जी? मुझे लग रहा है ज्यादा पढ़ रहे हो। हाँ मेरे पास थोड़े से दिन होते, मैं आपको एक दिन की पूरी छुट्टी दे देता, लेकिन दिन कम है मेरे पास। छुट्टी का क्या फायदा फिर, कौन सा उधर नहीं चलो फिर भी थोड़ा सा तो स्ट्रेस आउट हो जाता है। की हाँ हाँ चलो जी। ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढ दो कोई। चलो जी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देख रहे हैं, बड़ा गंदा सा फॉर्मूला आने वाला है। अब ऑपरेटिंग रेशियो, पहले तो डिब्बे में डालो को। पूछो, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, मेरी तारीफ मुझे वापस कर दी जाए, तो असर भी तो देखो ना। चलो जी ये मैंने येलो येलो कर दिया, ठीक है। कोरफो, कोरफो का मतलब सॉरी ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बना? कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय आरएफओ। सर ये ठीक है, डिवाइड में तो वही चल रहा है, जीपी में भी वही चला था, एनपी में भी वही, ठीक है, और ऑपरेटिंग रेशियो में भी वही। कोरफो, कोरफो का फॉर्मूला दो होते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस प्लस परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ये तो हो गया बड़े वाला, छोटे वाला आरएफओ माइनस जीपी, तो कोरफो आ जाएगा। उसमें ऐड क्या कर देना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना है ऑपरेटिंग इनकम। ये कॉस्ट देखो, कॉस्ट मतलब मेरा खर्चा होता है ना, स्क्रीन पे देखो कॉस्ट मेरा खर्चा है, इसमें दूसरा खर्चा ऐड कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये हो गए टोटल खर्चे। सुन तो लो, ये दो हो गए टोटल खर्चे हो गए ना, कोरफो, कोरफो भी मेरा खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मेरा खर्चा होता है, उसमें से ऑपरेटिंग माइनस कर दो तो मतलब कि नेट खर्चे बच जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से, कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बुक वाले या अकाउंट्स वालों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में किस किस को माना है और ऑपरेटिंग इनकम में किसको। ये बात पक्का है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पैसा जा रहा होगा, इनकम में आ रहा होगा। देखते हैं जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाओ। हाँ लेकिन देखने पड़ेंगे कौन कौन से। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट याद है वो? सैलरी, वेजेस, रिफ्रेशमेंट, बोनस, प्रोविडेंट फंड। हाँ प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। ये देखा जाए, मेरे को हेड बताओगे एम्प्लॉय बेनिफिट कौन सा हेड होता था? पहला पहला कौन सा होता था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा परचेज। तीसरा चेंजेस इन इन्वेंटरी। चौथा, हाँ इसको लिखो फोर्थ हेड, लिखो इसको फोर्थ हेड। अच्छा उसके बाद कौन सा होता था? पक्का सिक्स, तो इसको लिखो सिक्स हेड प्लस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस तो सेवन्थ हेड हो गया ना, उसको लिख देना सेवन्थ हेड। अदर एक्सपेंसेस में इन्होंने ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्काउंट, डिस्काउंट ये देखो जी, डिस्काउंट हमारे पास होता था फाइनेंस कॉस्ट वाला। फाइनेंस कॉस्ट का हेड कौन सा होता था? पांचवा। तो ये डिस्काउंट फिफ्थ, फिफ्थ हेड की है। ये भी इंटरेस्ट दो, तो देखो इन्होंने फिक्स्ड हेड, फिफ्थ हेड वाले दे दिए। सर ये ठीक है, आप एक तीर से दो निशाने मार रहे हो, साथ साथ आपने पी एंड एल भी रिवाइज करा दिया, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से आए? चौथा हेड एम्प्लॉय बेनिफिट, पांचवा हेड फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट भी आई तो गया, डिस्काउंट हो गया, ये भी पांचवा हेड आ गया, छठवां हेड डेप्रिसिएशन, सातवां अदर एक्सपेंस आ गया, उनको बोल दिया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर देखा जाए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सेकंड कौन सा होता था? परचेज। थर्ड चेंजेस, बस उन तीनों को छोड़ दिया, बाकी चार हेड हो गए है ना डिवाइड। ये तो हो गए मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम देखो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखा जाए अदर इनकम्स हो गई, ठीक है ना। ये सारी क्या हो गई? अदर इनकम्स हो गई। अटेंशन में पढ़ना जी, अटेंशन में क्या अटेंशन कर रहे हैं ये?
आर इंक्लूडेड, ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो अपने ऊपर ही देख लिया था, 6वां हेड ले लिया था ना, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स आर एक्सक्लूडेड, ये हमें पता है इन्वेंटरी वाले चैप्टर में। हाँ चलो जी, इट मस्ट बी नोटेड दैट, यही वाला है देखना आगे, इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन सेल। ओहो हो, खतरनाक पॉइंट, लिखो जी इसको, डेंजर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वैसे ये 7th हेड की एक आइटम है, लेकिन ये कह रहे हैं कौन कौन सी आइटम्स आपने इग्नोर करनी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जी हम क्या लिखेंगे गुडविल के चैप्टर में, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, लिखो लाइक एबनॉर्मल एक्सपेंसेस इन गुडविल चैप्टर। सर ये ठीक है, एक ही चैप्टर में आप तीन तीन चैप्टर रिवाइज करवा रहे हो। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस इन गुडविल चैप्टर, तभी तो इसको नॉन ऑपरेटिंग बोल दिया, नॉन ऑपरेटिंग मतलब एबनॉर्मल, कि जो नॉर्मल नहीं है। लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लिखो जी नंबर 1, लॉस फ्रॉम फायर नंबर 2, इनकम टैक्स नंबर 3, चैरिटी नंबर 4, डोनेशन, चैरिटी एंड डोनेशन नंबर 4 हो गया, फाइनेंस चार्जेस 5, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नंबर 6। फिर पीछे देखना कौन सा इंटरेस्ट उन्होंने लिया था, पीछे इंटरेस्ट कौन सा लिया था इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा जी ये भी चक्कर है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म तो हमने लेना है ऑपरेटिंग में, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने नहीं लेना। सर ये तो बड़ी औखी है वैसे, है ना। सिंपल सा मतलब है एबनॉर्मल वाले या नॉन करंट वालों को नहीं लेना, तभी तो वो नॉन ऑपरेटिंग बन जाएगा, ऑपरेटिंग मतलब नॉर्मल। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में किसको नहीं लोगे, नॉन ऑपरेटिंग एबनॉर्मल इनकम्स को, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या डिविडेंड रिसीव्ड आर ऑल्सो इग्नोर्ड। ऑपरेटिंग रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दिस रेशियो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस इज दिस, लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो बेटर इट इज। करो जी इसको सर्कल। और पीछे जहां पे रेशियो का डिब्बा बनाया था, पीछे रेशियो में मैंने डिब्बा बनवाया था, कहते कौन सी रेशियो, यही तो चल रही है। अरे ये वाली रेशियो में अभी डिब्बा नहीं बनाया, इसमें लिखो लोअर द बेटर। मैं हमेशा तो कहता हूं कि जो भी रेशियो का फॉर्मूला है उसको डिब्बे में डाल दिया करो, हाँ उसको पैक कर दिया करो, लोअर द बेटर। अब मेरे को इसका रीजन बताओ जी, लोअर द बेटर व्हाई। ये करें ना बात, क्योंकि ऊपर खर्चे हैं तो खर्चे लोअर होंगे तो बेटर है। एक इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी। देखना यही है 2,60,000 वाली, RFO सेल है 2,60,000, नीचे तो 2,60,000 आ गया, मुश्किल काम मैंने बता दिया, आगे आप बताओ। नीचे 2,60,000 आएगा, चलो नीचे मैंने बता दिया 2,50,000 आएगा, बाकी आप बताओ सौखे वाला। ठीक है ये तो तीनों को ऐड कर दो फिर, 1,50 + 40 2,10 आ जाएंगे, नीचे 2,50,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 × 100, ये तो बड़ा सौख है। देखो जी है इसमें डाउट, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट रेशियो नहीं, नेक्स्ट रेशियो नहीं, ये वाला क्वेश्चन पे देखना है पे, 8,00,000 / 2,00,000 वाला, पहले जो अभी अभी आपने किया उसको टिक कर दो। अच्छा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी रेशियो, ऑफिस एंड सेलिंग, डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ प्लांट, निकालनी क्या है ऑपरेटिंग रेशियो। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। कोरफो, कोरफो हम कैसे निकाल सकते हैं, आइटम दी नहीं हुई तो शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाएगा, RFO माइनस जीपी। RFO दी हुई है 8,00,000, जीपी आपको दिया हुआ है 20%, और 20% हमेशा सेल के ऊपर होता है। अभी अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ के आए, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, तो निकाल के देख लो, जीपी अपॉन सेल्स, जीपी का फॉर्मूला होता है 20% ऑन RFO, तो 8,20,000 हो गया, 1,60,000, 1,60,000 जीपी आ गया, तो कोरफो कितना आ जाएगा, 8,00,000 - 1,60,000, 6,40,000। देख लो जी पहले कोरफो समझ में आ गया है, आराम से देख लो अपने कूल माइंड से। इसमें ऐड कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दिए हुए हैं 60,000, ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, हाँ अभी कुछ नहीं करना,
80,000 ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट तो नहीं लेंगे, इसको क्यों इग्नोर करना है लिखो इधर, इग्नोर इग्नोर क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं ना, ये नॉन ऑपरेटिंग है, एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल वाले खर्चों को भी इनकम को भी इग्नोर करने है, तभी तो इसका नाम है ऑपरेटिंग। टिक कर दो, जिसको अभी अपने आप देखना है देख लो 10-15 सेकंड। हाँ मतलब नहीं नहीं बस मैंने वहां जल्दी जल्दी करावा, तीन तो रेशियो हो ही गई, बस दो रह गई। नहीं मैं अपने आप पे तरस खा रहा हूँ। आपके पास अगर मेरे पास होते ना हफ्ता 10 दिन और इतना पहले हेक्टिक चल रहा होता, मैं आपको 1 या 1.5 दिन की छुट्टी दे देता कि आप थोड़ा स्ट्रेस आउट ले लो, बहुत स्ट्रेस हो गया, लेकिन टाइम कम है ना। चलो जी अगली रेशियो पे आ जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे, सेकेंड लास्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ, मिल गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ। डिवाइड देखो फिर से वही है आरएफओ, अब मेरे को देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये खतरनाक है। इसके साथ में देखो उल्टा नहीं कर दिया, वहां पे जीपी में हमने क्या किया था, जीपी में नहीं किया था, वहां कोरफो में कर रहे थे, यहाँ पे जीपी में आपने ऑपरेटिंग, क्योंकि देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को प्रॉफिट निकालना है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसलिए खर्चे माइनस कर दिए और एक्सपेंस ऐड इनकम ऐड कर दी। देखो पिछली रेश, मेरी बात सुनो, पिछली रेशियो थी ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में ना मेरे को ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट लेनी होती है खर्चे, इसलिए कोरफो में मैंने खर्चे ऐड करिए थे, इनकम माइनस की थी, क्योंकि मेरे को ऊपर ऑपरेटिंग खर्चा लेना था, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है ना, तो जीपी से स्टार्ट कर दो, जीपी में इनकम ऐड कर देना, एक्सपेंस माइनस कर देना, कौन से ऑपरेटिंग रेशियो चल रहे हैं तो ऑपरेटिंग वाले, तो देखो जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मेरे लिखने का तरीका फिर से ऐसे ही होता है, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम, मतलब पहले प्रॉफिट वाले लिख लो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम तो देखो वही के वही है, सेम लिखो ब्रैकेट में नीचे, सेम लाइक प्रीवियस रेशियो, सेम लाइक प्रीवियस रेशियो। जल्दी से इसका वो पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव पढ़ लो 5-6 लाइन का, नहीं समझ आता तो मुझसे डाउट पूछ लो। हाँ नॉन करंट लेने ही नहीं, क्योंकि चल ही ऑपरेटिंग रहे तो ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेंगे, फाइंड आउट करके बताना ये रेशो बेटर हायर बेटर है या लोअर बेटर, ऊपर इनकम्स है। अब तो आप ऐसे भी बोल ही सकते हो मेरे बिना पूछे भी, मतलब बिना रीड आउट किए, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है हायर बेटर, लिख लो इसका सोल्यूशन ऊपर हायर द बेटर। हाँ पहले डिब्बे में डालो इसको, पैक करो, इसका फॉर्मूला मैं नहीं करवा रहा, वो इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, एमसीक्यू करेंगे देख लेंगे। आखिरी रेशो पे आ जाओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पेपर में 2 रेशो आने के तो पक्के चांस है, इंटरेस्ट कवरेज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रोप्राइटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशोज लिख लो चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले तो। पढ़ा होएगा इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशोज लिख लो पहले। हाँ जी अरे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये तो पी लो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोप्राइटरी रेशियो, सेकंड ये वाली राष्ट्र का क्या नाम था, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और तीसरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो किस कैटेगरी में आती है, सोलवेंसी में। अच्छा आरओआई किस में आई थी, प्रॉफिटेबिलिटी वाले में, इंटरेस्ट कवरेज किस में थी, सोलवेंसी में थी। हाँ
लास्ट रेशो पे आ जाओ, फटे चक दो। कम बच्चे ने उसका, एक दो दिन में वो थोड़ा ठीक पड़ रहा है। हाँ पढ़ रहा है, मतलब क्लास में थोड़ा ठीक कर रहा है, या मतलब बोल रहा है कि हाँ हाँ पढ़ा दो। अब मेरे को नहीं पता अंदर से भी सच है कि नहीं है। चलो जी फॉर्म, बस बस बस, ओ बस से यार है। पहले तो इसके अलग अलग नाम पढ़ के देखो जी। दिस रेशियो रिफ्लेक्ट द ओवरऑल, राहुल बस 5.93 या 94 होएगा, 5.93 या 94, 92। दिस रेशियो इज यूजली इन परसेंटेज इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यील्ड ऑन कैपिटल। तो पहले तो ये चार नाम याद रखना, ठीक है। इसके साथ में लिखो लर्न ऑल फोर नेम्स, कहीं पेपर में आ जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सौर ने तो कराई ही नहीं। चौथा जो मेन नाम दिया हुआ है वो भी तो करोगे ना मेरे भाई, भाई नहीं बहन, वो भाई नहीं गलत है। अच्छा चलो इसका फॉर्मूला डिब्बे में डालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का देखा जाए ये क्या बन रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या लेते थे हम, पीबीआईटी की फुल फॉर्म इंटरेस्ट एंड टैक्स ना, यहाँ पे पीबीआईटी डी है, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो ऊपर पीबीआईटीडी। पहले हम लेते थे पीबीआईटी ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कोमा डी। हाँ लिख दो यहाँ पे सिमिलर टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऐसे बनाया करो, क्या बोलते हैं उसको, राइमिंग बोलते हैं ना, ऐसे राइमिंग बनाया करो तो थोड़ा याद रह जाता होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिखो सिमिलर टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड याद करो गुडविल का चैप्टर, दो अप्रोच। हाँ अब देखते हैं हम नीचे, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ के देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड लाइबिलिटी अप्रोच, शेयर होल्डर फंड प्लस, सर हम तो सिर्फ लेते थे ऑल करंट, ऑल कैपिटल प्लस ऑल करंट बैलेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिया हुआ है। अब इसके साइड पे लिखो, इसके साइड लिखो इन गुडविल चैप्टर, इसका वो क्लिप क्लुप गिर गया, अब मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। चलो छोड़ो जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो करो। नहीं नहीं फर्स्ट मेथड में है ना लाइबिलिटी साइड अप्रोच, गुडविल के चैप्टर में सिर्फ हम लेते थे शेयर होल्डर फंड, मतलब कि कैपिटल प्लस करंट अकाउंट। लिखो इन गुडविल चैप्टर, समझ में आ रहा है कहाँ लिखवा रहा हूँ मैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच है ना उसके साइड पे देखो जगह पड़ी है। लिखो इन गुडविल चैप्टर नॉन करंट लाइबिलिटी NCL, नॉन करंट लाइबिलिटीज आर नॉट टेकन, फुल स्टॉप। हाँ बट हेयर NCL विल बी टेकन, बट हेयर NCL इज ऑल्सो टेकन, इसको बोलते होते हैं लिंकेज। इन गुडविल चैप्टर नॉन करंट लाइबिलिटीज आर नॉट टेकन, बट हेयर NCL नॉन करंट लाइबिलिटीज आर ऑल्सो टेकन। और दूसरा मेथड का फॉर्मूला क्या बन गया फिर, एसेट साइड अप्रोच का, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये बेकार है, आप इसको लिखो वर्किंग कैपिटल को काट दो, लिखो नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यार मतलब पता नहीं ये ओके ओके फॉर्मूले क्यों बनाते हैं। मैं लिखवा रहा हूँ सेकंड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच है ना, देखना बुक में इसका सिंपल में लिखो करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो जाए तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल होता है ना, मैंने अलग से लिखवा दिया, इन्होंने ऐसे लिखवाया एन सी ए प्लस वर्किंग कैपिटल। मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को सिंपल शब्दों में पसंद होता है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इसका और सबसे सिंपल, हाँ दिव्या थैंक यू, टोटल एसेट्स
माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स को हम टोटल एसेट ही तो बोलते हैं, माइनस करंट लाइबिलिटी। जिसको जैसे समझ आता है वैसे कर लो, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट प्लस नॉन करंट को क्या बोल दिया जाता है? टोटल, माइनस करंट लाइबिलिटी। या फिर नॉन करंट एसेट ले लो प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का अगर आप ब्रैकेट खोलोगे सी ए माइनस सी एल ही तो हो गया। बस जी खत्म आपकी रेशियोज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। जब आपने जाना है जाओ, वर्किंग कैपिटल डब्ल्यू सी। ठीक है जी, इकट्ठे हो आप, जाओ जाओ, आप बैठे हो ना। बस एक आधी इसी क्वेश्चन की एक आधी इलुस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, वैसे खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद एक दो इलुस्ट्रेशन अपने आप घर जाके देख लेना महक। नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन देखना जिसमें बैलेंस शीट बनी हुई है, 2,70,000 वाली है। नेक्स्ट वाली देखना, 2,70,000 वाली है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में आगे दिए हुए कि हैं कौन कौन से। रिजर्व एंड सरप्लस अंदर दिए हुए थे 70,000, लेकिन 70,000 की बाइफर्केशन है, जो 70,000 की जो बाइफर्केशन है, मतलब कि है क्या क्या उसमें, उसमें 5,000 का रिजर्व है, 65,000 के प्रॉफिट्स हैं, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर हैं 1,00,000 के। कैलकुलेट आरओआई, तो इसका फॉर्मूला क्या बना देखो नीचे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले तो प्रॉफिट ढूंढो, प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट है 65,000। अब इसमें इन्होंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे को देखो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 65,000, ये इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद है, क्योंकि ये तो नेट प्रॉफिट है, हमें तो बिफोर वाला चाहिए ना, ये आफ्टर वाला है, तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया इन्होंने। इंटरेस्ट कैसे निकाला, 1,00,000 के डिवेंचर थे, 15% रेट है, तो 1,00,000 का 15% हो गया 15,000। तो मतलब टोटल मैंने प्रॉफिट कमाया होगा इंटरेस्ट पे करने से पहले 80,000। अब सोच के देख लो, इससे 80,000 में से मैंने 15,000 पे इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, इसलिए तो बाकी 65,000 बच गए थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेटा उल्टा दिया हुआ था, इसलिए मेरे को ऐड करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकालना पड़ गया। तो ऊपर तो आ जाएगा 80,000, नीचे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड ना। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, एसेट अप्रोच वाला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये सबसे सौखा है। टोटल एसेट्स देखो कितनी है, 5,80,000 दिख रही है टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट का एंड में देख लो, 5,80,000। इसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, देखो कितनी दी हुई है, 1,80,000 तो बाकी कितना बच गया, 4,00,000, बात खत्म। दूसरी अप्रोच से कैसे निकालना था हमने, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में देखो कितना था, 2,70,000 और 1,00,000। अब इन तीनों को भी ऐड करोगे तब भी 4,00,000 ही बन जाएगा, तो जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। तो बस 80,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 इंटू 100। अब इसका पढ़ लो ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ऊपर आप प्रॉफिट ले रहे हैं ना, हायर बेटर होगी या लोअर, हायर। ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं तो हायर बेटर होगी ना, तो पहले फॉर्मूले में लिख लो ऊपर साइड पे, हायर इज बेटर। नहीं इसमें नहीं लिखा था हमने, हायर इज बेटर। अब इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस पढ़ो बस, फिर छुट्टी। कैसी लोकेशन हो रही है ना, नुकसान हो रहा है।